आज हूँ मैं ओबरन डैम के ऊपर सवाल ये नहीं है सवाल ये है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में आते हैं आपसे क्या क्या मुमकिन सवाल पूछे जा सकते हैं जब आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हैं इसका ये मतलब नहीं आप ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो गए हैं तब आप इमिग्रेशन क्लियरेंस में होते हैं जब तक आपको एंट्री मिल नहीं जाती इमिग्रेशन ऑफिसर या ऑफिसर ऑन ड्यूटी आपसे सवाल पूछ सकता है आप पहली दफ़ा आए हैं दसवीं दफ़ा आए हैं आप वीज़ा होल्डर हैं सिटीजन हैं जो भी हैं आपसे सवाल पूछे जाते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये जानने की या सुनने की बड़ी आपको जरूरत है यानी कि आपसे पूछा ये जा सकता है कि आप स्टडी क्या कर रहे हैं आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप जो है किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं आपने कितनी स्टडी कम्पलीट कर दी है आपका पिछला रिकॉर्ड भी देखा जा सकता है क्वाल रिसेंटली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखे कि डिपार्टमेंट जो है वो प्रोएक्टिवली इस तरह के सवालत पूछ रहा है जो लोग बिल्कुल झिझक गए या जिनको पता नहीं था जो बहुत कम कॉलेज गए या कभी नहीं गए या जिन्होंने असाइनमेंट्स दी या नहीं दी या पीछे बहुत लंबे लंबे वक्फे रहे जिनका वीज़ा कंप्लाइड नहीं है तो उनको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा कुछ को शायद इन्होंने वार्निंग दे के छोड़ दिया कुछ वीज़ा कैंसलेशन भी हुई तो आपने इस हवाले से तैयार रहना है और हर तरह की जो तैयारी लगा के रखनी है मिसाल के तौर पे ये स्टार्ट होता है आपके पैसेंजर कार्ड से आपने पैसेंजर कार्ड जो है वो सही तरीके से भरना है बहुत सारे सवाल वहां पे लिखे होते हैं अगर आप अनश्योर हैं तो आप उसको छोड़ के बाद में आप कह सकते हैं वहां पे लिखा होता है कार्ड में भाई मैं अनश्योर हूँ तो उसका यस की बजाय आप नो कर सकते हैं और बाद में कह सकते हैं इस वजह से मैंने किया तो वैकोव वैक के हवाले से लोग पूछते हैं मैं कितने सिगरेट ला सकता हूँ तो भाई पच्चीस ग्राम आप ला सकते हैं यानी कि पच्चीस सिगरेट से ज्यादा आप नहीं ला सकते उससे ज्यादा लाएंगे तो और इम्प्लीकेशन होती हैं इसी तरह स्टूडेंट के तौर पे आपकी स्टडी का पूछते हैं यानी पहली दफ़ा भी आ रहे हैं तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि तो आपका वीजा कैसे लगा कहाँ लगा इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट का पूछ सकते हैं आपकी सी का पूछ सकते हैं प्रपोज स्टडी का पूछ सकते हैं तो आपने ये सारा बताना है अपना सारा रिकॉर्ड पेश करना है और बिल्कुल फ्रंट चीजें होकर आपने बतानी है अगर आप दूसरी दफा तीसरी दफा भी आ रहे हैं तो ये आपसे ये सवाल पूछेंगे और आपने इसमें झूठ नहीं बोलना क्योंकि आपसे वो वेरीफाई कर सकते हैं इसमें घबराने की बात नहीं है ये परेशान होने वाली बात नहीं है कि भाई ये मेरे से सवाल क्यों पूछ रहे हैं भाई ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को भी पूछते हैं किसी और को भी पूछ सकते हैं बेशक वो स्टूडेंट नहीं भी है ये इनका काम है ये करते हैं लेकिन जैसे ही उनको किसी किस्म का कोई शक होता है तो ज़्यादा डिटेल्स में जाना शुरू हो जाते हैं तो ये जो सवालत हैं यानी कि स्टडी के हवाले से वो तो पूछने ही पूछने हैं पूछ अगर आपका कोई और वीजा भी है यानी अगर आप टीयर होल्डर हैं तब भी पूछते हैं कि आपका वीज़ा कौन सा है आपके प्लान्स क्या हैं तो आपने चीजें बिल्कुल सीधी सीधी बता रही है इसमें वो ऐसी बात नहीं है परेशानी वाली बात कतन नहीं है तो ये वो चीजें हैं जो आपसे मुतव पूछी जा सकती हैं और रिसेंटली इस तरह के बहुत सारे वाकत हुए हैं ये ज्यादा प्रोएक्टिवली डिपार्टमेंट शायद इस पर फोकस कर रहा है और पूछ रहा है फॉलो फॉर मोर थैंक यू